बाबा ठीक है ठीक। आठवां पारा है सूरह आराफ आयत नंबर 44। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फअदना मुअज्जिन बैनहुम अल्लानतुल्लाहि लिलआलमीन। शिया सुनी भाई मिलके मीठी मीठी जुबान से कहो सुभानअल्लाह। ओए हुण तो बिल भी सारे जक्त करा दिता, सब मिलके कहो सुभानअल्लाह। क़यामत वाले दिन एक मुअज़्ज़िन अज़ान देगा और कहेगा ज़ालिमों पर खुदा की लानत, ज़ालिमों पर खुदा की। कुरान सुना रहा ये बंदा, मैं कहता तुहाडा शियां दा भी कोई मज़हब है? मैं क्या साढ़े बदबुर की होया तुम लानत पाते हो? लानत पाना कोई शरीफा का काम है? मैं क्या अल्लाह कुरान च लानत पाता, अल्लाह शरीफ नहीं। अल्लाह कहिंदा झूठियां ते लानत, अल्लाह कहिंदा फासकां ते लानत, अल्लाह कहिंदा गासबां ते लानत। जिहड़ा किसे दा हक खाए ओहदे ते लानत, जिहड़ा रसूल दी दी दा हक खाए। आए दा तर्जमा क़यामत वाले दिन एक मुअज़्ज़िन अज़ान देगा और कहेगा ज़ालिम पर खुदा की लानत। शियां दी किताब हारून बार फखरुन माला मा बाकर मदरसी अहले सुन्नत भाइयां दी किताब मेरे हाथ में मौजूद है। जनाबी अल मवद्दत, जनाबी अल मवद्दत। इस दे राइटर ने अलामा सुलेमान कंदोजी बल्खी हनफी मुफ्ती आजम कुस्तिनतीनी जिल्द नंबर दी दो दर्ज। मुफ्ती आजम अहले सुन्नत लिखते हैं क़यामत वाले दिन जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, जब त्यों दोस्तियों के दरमियान जो खड़ा होकर अजान देगा हैदर करार। शिया सुनी कुतुब भगवान एक चाक दिखा रहे हैं कादराबाद वाले क़यामत वाले दिन मौला अली अज़ान देन दे ते मौला अली पाक अपनी अज़ान में फरमान दे अला लानतुल्लाह अललदीन कतबु बिवलायति वस्तखफु बिहक्की। मौला अली फरमान दे हार उस शख्स पर खुदा की लानत है जिसने मेरी विलायत को छोड़ दिया। हार उस शख्स पर, मैं नहीं कह रहा, मौला अली पाक फरमा रहे हर उस शख्स पर खुदा की लानत है जिसने मेरी विलायत को छोड़ दी। ते जिहड़े को लानत दा भार चलींदा है वो कलमे च भी विलायत की मुखालफत करे, अजान च भी करे, नमाज भी पे करदा रहे, असी की कह सकने? साडे कोल ते भार नहीं। सलवात बना और याद रखो इलाके वाले सदा तो मोमिनीन सैयद भी हो जड़ा प्यो दा सईदां दा प्यो मौला अली, सईदां दा प्यो मौला अली जी। मैं बावजू खड़ा पाकीज़ा जगत गाजी दालम गवाह है, मेरे वाजिबुल एहतराम सदात पीर साहब भी बैठे दीगर मेरे भाई तशरीफ फरमान, ये गल याद रखे है जड़ा सैयद के इलाके अली वली दुश्मनी करता है अजहर हैदरी तुहानू कुरान ते लिख के दे देंदा है, वो सैयद नहीं। कुरान तो कोई वड्डी शै है वे? जिहड़ा अली वलीला दा इनकार करदा ते आंदा मैं सैयद हां, मैं कुरान ते लिख के दे देना, वो सैयद नहीं। सैयद वो जिहड़ा प्यो दी विलायत दा कायल, वो सैयद नहीं। नूह दा पुत्र सलवात पढ़ा सैयद वो जड़ा मिला। देखो ना गैर बंदा मुखालफत करता रहे मौला अली दी विलायत दी करता रहे, सईदा नू बत्ती दंदा दे दरमियान बेच अपने बाबे दे खिलाफ जुबान नहीं खोलनी चाहिए। वेखो ना सादा जी गल, मैं तुहानू की समझाना है, समझदार बैठे हो ऐ मुआशरे विच भी कोई पुत्र प्यो दी गल ना ना मन्ने ते उहनू महल्ले वाले पिंड वाले की आंदे ने वड़ा सलवात पड़े बाबा दा बोलांगा अगो तुम समझदार बैठे हो। तो जिहड़ा आखे मैं सैयद आते आखे अली नूं वलीउल्लाह है ही कोई। और मैं झंग दे इलाके च मजलिस पढ़न गया तो उत्थे एक तौबा नो बाबा जी उन्हें सैयद कहना गुनाह है, वह आखे अली दी ना अली दे नां दे लैण नाल ना ते नमाज टुट जाती है। वो मैं तहकीक की वह सैयद सुयद कोई नहीं सी, पिछों ना ही निकलिया तवा
शोभा नाल उन्हें कासमी लिखे शाह जी ने तू तो ना ही निकलिया। मैं क्या तेरा काम सी मुसियां बगला मोन दा कदी बोल के ना आखी नामे अली नलमाज पातल है किधरे तेरी नसल पातल ना हो। बाबा वजू खड़ा मिंबर ते शरक तो लैके गरब तक शुमाल तो लैके जनूब तक उस पेश नमाज नू उस मुदर्रिस नू मदरसे दे प्रिंसिपल नू मैं हज़र हैदरी मुँह मंगे इनाम देंगा जिहड़ा किसी फटी पुरानी किताब है किसी मासूम का फरमान दिखाए किसे मासूम आख्या होवे अली उन वलीउल्लाह दी तिलावत नाल नमाज बातल है। कोई एक रवायत विखा दे मेरा प्यो लगा ते जे ना विखा सकिया ते फिर थोड़ा थोड़ा मैं ही सलवात बनाया। बाबा जी क्या पीदी का शोरबा ये मुंह और मसूर की दाल। किसे मासूम ने मना नहीं फरमाया मासूम मना नहीं करता ते कोई कमादा ना डके पिया खड़ा है मैं की करना है अलफला बैंक का पता जे सलवात मालिक अबाद शाह आदे नहीं जी ऐतां ते हदीसां ते है ने सानू किसे ना मुझते दा फतवा भी दिखाओ। मेरे इस वेले हाथ में किताब है कादराबाद वाले इसका नाम है अशहद। एक मैं फतवा भी सुना दिना जे फतवे नाल वजू सीधा आउंदा गल्लां कोई जरूरी होंदियां ते हक कौड़ा भी हुंदा ते जिन्हों कोई कौड़ लगे ते बेशक तुर जाए असां ते अपनी इबादत करनी है ते अपना सन सिलसिला दसना जिहड़ा कुरान और हदीस फरमाने मासूम के मुताबिक साढ़े सन असी किसी के पाबंद नहीं असी खुदा और रसूल और फरमाने मासूम के पाबंद। लेकिन फतवा सुना मेरे हाथ में किताब है कादराबाद वाले फाली वाले ज़िला मंडी बाउदी नाले इस किताब का नाम है अशहादतु सालिसतु तीसरी गवाही यानी अलीयुन वलीउल्लाह। शहादत सालिसा का मतलब है तीसरी गवाही। एक किताब लिखी है ईरान दे मर्जी अली कदर हैं उन्हों का नाम है मुहक्किक मुफस्सिर आयतुल्ला नजाह ताई। 65 साल इन्हों की जिंदगी है ईरान जिंदा मुजतद बैठे उन्हें 401 सफ़े ते जिला मंडी बाउदी नाले किताब लिखी है किस गल ते वह फरमाते हैं शहादतु सालिसतु वाजिबतुन व जुज़ियतुन फिल अज़ाने वल इकामते व तशहुद सलाते व सलातुल मय्यिते। मर्जी अली कदर फरमाते हैं अली उन वलीउल्लाह की गवाही देना वाजिब है कलमे में भी अजान में भी इकामत में भी तशहुद में भी नमाज जनाज़ा में। किताब सदा तो मोमिन बैठे हो शराजी सदा पीती कर बैठे। अगली गल बड़ी प्यारी लिख दें ईरान जिंदा मुझ तर बैठा है मैं नैट नहीं चलाना आता जो चला लेंगे उंगलियां मार के वेख लिया जी के हवाला जरा हैदरी सही दिता जे हवाला ठीक है तो फिर अपना कीदा दुरुस्त कर। मर्जी अली कदर आए तुला नजात आई फिर अगली गल बड़ी प्यारी लिख दें और फरमान ने बला यजूज ओ लिल फुकहाए हस्फु शहादत सलासिल अकैदिया फिल अजान वर इकामत व तशहुद सलात सलात पयत। मर्जी अली कदर कहते हैं किसी मस्जिद के मौलवी को किसी मस्जिद के पेश नमाज को मदरसे के मुदर्रिस को प्रिंसिपल को वाइस प्रिंसिपल को यह हक हासिल नहीं कि वो नमाज के तशहुद में से अली उन वलीउल्लाह निकाल सके। क्यों ओ फरमान ने अली उसूल है और उसूल दीन में तकलीद हराम है। बाबू तू खड़ा मिंबर ते सैयद गैर सैयद खालक दा कुरान सिर ते रख के ए बारगाह इलाही वे इमाम ज़माना नू हाज़र नाज़र करके गल कर रहे हैं याद रखी कबर दियाँ कंधा तक कम आएगी पकीदा जगह ते बाबू तू खड़ा होके खालक दा कुरान सिर ते रख के कहना सैयद गैर सैयद याद रखी जिमें शराब पीना हराम है जिमें जुआ खेलना हराम है जिमें जना हराम है जिमें नवाता हराम है जिमें सूर खाना हराम है एवं किसी मौलवी दे आखे कलमे अज़ान या तशहुद विचों अली उन वलीउल्लाह छड़ना हराम। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदा जी को गुफ्तगू समझ चाह रही जिमें शराब पीना हराम जिमें सूर खाना हराम ये नालों भी वड्डा हवाला भाई जी नवा हवाला सुना रहे लहजा मेरा बाबे वाला हवाले मैं नवे भी पढ़ छाण क्योंकि मैंने बुजुर्ग राह दिखा के गए कि साइया की नौकरी किमें करनी साइया की वकालत किमें करनी मेरे बाबे का ही फैज है मेरे को वगरना मन आनम के मन दानम मेरी हैसीयत कोई नहीं। इस नालों वड्डा हवाला है मेरा आतुल अनवार किताब
तफसीर अल बुरहान का मुकदमा है, सफ़ा 228 है, मरकज़ सज्जा पासा है, 70 नंबर 17 है। अलामा पाकज मलसी दे नामवर शागिर्द अबुल हसन इस्फहानी कहिंदे व आज़मु ज़ुनूबे तरकुल विलाया, वो कहिंदे ने शराब पीने से, जना करने से, सूर खाने से भी बड़ा गुनाह अली वरीला छोड़ देना। जो है अली वलीउल्लाह को अपनी पसंद रख, नहीं तो मुंह बंद रख। हालात जैसे भी हों, इमाम ज़माना वारिस हमेशा जिक्र अली बुलंद रख। अगर तू चाहता है जन्नत में चला जाए, खुद को अली वलीउल्लाह का पाबंद रख। एक बंदा कहिंदा मैं ज़ियारतां ते गया थे, वो फलाने हरम च नहीं पढ़िया जाता अली वलीउल्लाह, तो फलाने हरम च नहीं पढ़िया जाता, तो फलाने हरम च नहीं। मैं क्या ईरान इराक शाम जड़े हरम ने वो छोटे ने, वड्डा हरम मदीना शरीफ है, वो नालों भी वड्डा हरम बैतुल्ला है। जे हरम वाली नमाज पढ़नी है फिर काबे वाली पाठ, उथे काना ही माउन ते हाथ बन सलवात पढ़ना। असा हरम वाली नहीं पाकां वाली पढ़नी, जी मासूम ने नमाज सी वो पढ़नी। ये गुजारिश में चार ही ना चाह, असा वो नमाज पढ़नी जी पाक दस। तो जे हरमा की गल है तो काबे नालों वड्डा हरम है ही कोई नहीं, तो उत्थे जिहड़ा इमाम है तुहानू पता है कर इन्ने कर पढ़ता है भी काणा। वो काणा तो महल्ले इज्जत दे काबल नहीं हुंदा, काबे दा इमाम कि सलवात पढ़ना वाला काबे दा इमाम। तुहाडे मजहब की बुनियाद अली वलीउल्लाह, तुहाडे मजहब की बुनियाद मातम और जंजीर सन, तुहाडे मजहब की बुनियाद सादात का एहतराम। जिमें माँ ते धी नाल निकाह हराम, इवें गैर सय्यदा सय्यदज़ादी नाल निकाह हराम। बंदे बड़ा प्रोपेगंडा किया, एक बार को मलून बैठा है, उसने आख्या कि ये अलामा ताजुद्दीन ने हैदरी जड़ी अजमत सदात किताब लिखी है, ये कुफरियात हैं, ये जहालत है। ताजुद्दीन हैदरी फौत हो गए, उसका बेटा आज़र हैदरी है, तो हम उसे चैलेंज करते हैं, हमें आपकी हर शर्त मंजूर, पहले से ही मंजूर है, तो हमारे साथ मुनाजरा कर ले अजमत सदात पे। तो मैं कह जो तू आप आना सानू हर शर्त तुहाड़ी मंजूर है, तो पहली शर्त है वे मेरे सामने आ, इत्थे पाकिस्तान इत्थे सामने बह के मुनाजरा कर, मूँह चुटन कूड़न खुटन। मैं नैट ते कदी मुनाजरा मुनाजरा हुंदा ही आमने सामने, नैट ते एक प्रोपेगंडा है, वो दे ते गल करिए पिछे सोच खिच के आके फलाना मौलवी नस गया, वो टुर गया, टुर गया तो बात कट कर, तू वो चला के तवज्जो है ना, तू कुछ सामने आए तो कोई नैट ते सोशल मीडिया तेन जी अजर हैदरी है हवाला सही नहीं दिता फलाना, वो ये सर नैट ते प्रोपेगंडा है। कोई 5 मिनट मेरे सामने पवे हवाले दे के नासा ना सेक छड़ा ते ताजुद्दीन हैदरी दा पुत्तर नासा सेक छड़ा तो मैं विलायत का मसला हो गया अली वलीउल्लाह असमत सादात, मैं पाकां दा नौकर हाँ, साइयां दा नौकर, ये तुहाडियां दुआवां दा नतीजा। सामने कोई बात गल कर बजा फरमा रहे। वो अब्बा जी संदूक जड़ियाँ किताबा लियाँ सन ना, वो संदूक च मैं गठड़ी च पा लिया, जरा भारियां पढ़िया, संदूक ही बड़ा भारा सी, हूँ मैं जरा ना सलवात वो मैं जरा ना, मैं क्या चलो जरा कपड़े जी बन बन के तू कर। जी हाँ जी, वो चीज़ा खालस नहीं रही, अगे बंदा एक बंदा गन्ना चूप लेंदा सी, दो दिहाड़ियाँ कट लेंदा सी, तो हूँ पूरी भरी भी चूप जाए तो पता ही नहीं लगता कुछ है चूपी है कि नहीं। वो सर कोई नहीं सलवात मैं थोड़े इलाके दिन मिसाल क्या सुना ठीक तवज्जो है ना। जिमें बादी तो तुम इजतनाब कर दौ, इवें विलायत के मुनकर तो भी इजतनाब कर, वो वड्डी बादी है, जहर बादी है।
बहुत सारी आयतां ने अज़मत सदात एक सुना दे सूरह अज़ाब चला फरमाया खबरदार जी जब नबी के घर जाओ बर्तनों को भी गौर से ना देखो। पिंड वाले शियो सुनियो जिस सैयद के घर जाके बर्तनों नू गौर नाल वेखन की इजाजत नहीं गैर सैयद दा सैयदजादी नाल निकाह किवें जाए। यूट्यूब ते मेरा नाम लिखोगे ना अज़र अब्बास हैदरी ते ओ सैयदजादी निकाह गैर सीनल हराम है ये ते मेरियां तकरीरां आ जांदियां हिस्सा दोम उहदे मैं मुकम्मल जवाब दिता है जिहड़ा कोई लोगों ने इधर उधर शुभात पैदा करन की कोशिश की। और मेरे बुजुर्गों की किताब मैं छुपाई है हाथ च मेरे कादराबाद वाले इसका नाम है तोहफतुल उकलाब फी इस बाते इसमत सैयदत निसा। हाँ जी ये किताब बुजुर्गों की है मेरे अब्बा जी दी दस मजालस भी ने जिहड़ियां पढ़ते रहे तुहाडे इलाके च और ये मैं कोई सवा सौ सफ़े का खुद इजाफा किया बाबा जमुल बादशाह अमदानी की ये तकरीज भी है। इस किताब का हर कार शियां दे कार और अहले सुन्नत दे कार होना भी जरूरी है जिसनों रसूल वाले रसूल नाल प्यार है वो इस किताब का मुतालिया करे। इस गलत किताब है मेरे बुजुर्गों की कि बिनते पैगंबर कदी किसी मुकाम ते खता नहीं कर सकती भावें फदक का मसला क्यों ना ए जो फदक के मसले तो मुफ्ती पौंकिया तो उदो किताबा लैके मैं ही गया अदालत उन्हें आख्या फदक के मसले में रसूल की बेटी खता पर थी। मैं क्या मुफ्ती जी रसूल की बेटी फदक के मसले में खता पर नहीं थी तेरी अम्मी खता पर थी बिनते पैगंबर गलती गुनाह नहीं कर। ये बहुत मुतल्लल दलाइल तुहाडे जिहड़ा पढ़ना चाहे मैं मैंबर छड्डा तो गड्डी दे कोल आके किताब खरीद सकता है मेरे ड्राइवर अली रावल कोल। ये बड़ी मुतल्लल किताब कि मखदूमा वेखो ना जे चादर के थले कला रसूल आया तो रसूल मासूम है तो जे रसूल नाल बतूल भी आई तो कादराबाद आया फिर बतूल भी मासूम है मौला अली आए ने वह भी मासूम है नहीं मामे हसन मासूम है हुसैन चादर भी कोई है आयत भी कोई है तो जो तैरकुन ततीरा का तर्जमा भाई कमर उ किया जाएगा जोड़ा रसूल वास्ते तर्जमा उ तर्जमा बतूल वास्ते वे उली और हसनैन करी मैन वास्ते तफसील वास्ते किताब लै सारी जिंदगी साढ़े बुजुर्ग मौला अली की विलायत मातम जंजीर जनी और एहतराम सदात का दर्श दिता कि हर हालत सैयदजादी निकाह गैर सी नलाहरा शरा नाजुल बलागा इब्ने अबिल हदीद अहले सुन्नत ने अबिल हदीद मुतजली उन्हें शरा की नाजुल बलागा अशस बिन कैस ने मुसाफरा शाम को रिश्ता मंगया मुसाफरा शाम का मौला अली को रिश्ता मंगया तो मौला अली फरमाया यब न लहाए हराम जादे तेरी ये मजाल गैर सैयद हो गए सैयदजादी का रिश्ता शरा नाजुल बलागा। मैं कोई गाली गलूच नहीं कर रहा मौला अली उन्होंने हरामजादा आखी अशस बिन कैस ने जाकर जी उन्हें रिश्ता तलब किया सैयदजादे हाँ दस या बारह मिनट और हाजरी दे दिया ना बस दो बारह मिनट और हाजरी दे देना फिर मालिक दे अजीम दा खान खिताब कर तुहाडे मेरे चौथे इमाम दे पोतरे ने तारीख च उन्हां दा नाम जैद बिन अली बिन अल हुसैन बिन अली चौथे इमाम के पोते करबलालियाँ की याद में कूफे लोगों को पानी पियाते सन सकाई का काम करते शरीफ एडे सन लोग रिश्ता दे दिता शादी कर ली एक बेटी पैदा हुई उसका नाम फातिमा रखिया कादराबाद वाले जो बेटी जवान हुई तो सैडा तो रिश्ते आने शुरू हो गए। चौथे इमाम के पोतरे ने और इमाम जाफर सादक के मोहतबर सिहाबी ने उन्हें हथ चुक के दुआ की या अल्लाह मेरी बेटी फातिमा नूं मौत दे दे उस दिन चढ़िया वो बेटी फौत हो चुकी सी मामे सज्जाद के पोतरे कोल बह के उची उची रोए ताड़ा मार के लोग आख्या जो बच्चे मर जाने तो माँ प्यो रोंदा ही है जनाबे ईसा बिन जैद बिन अली बिन अल हुसैन उन्हें आख्या मैं धी होने की वजह तो नहीं रोंदा
रोंदा इस वास्ते आ मा तत्वा इन्ना हलम तालम अन्ना हमिन कबीदे रसूलिल्ला, रोंदा इस वास्ते आ मेरी सकी धी मर गई है मैं दस नहीं सकिया तू सही जान। देखो ये भी मुसाहब सुनिया करो, ये सईदा का मुसाहब सुना रहे सादात है। अगर शियो सुनियो किसी दौर किसी मुकाम किसी हालत भी सही आजादी का निकाह गैर सी नल जायज हों कभी मामे सज्जात पोतरा धी वास्ते बदवा ना मांग। मुंतहला माल किताब है शेख अब्बास कुमदी मफाती चो जिन्हों दुआव पढ़ते उन्होंने तारीख किताब मुंतहला माल थोड़े मेरे सत्तवें इमाम दियाँ कम अज़ कम अठारह ज़्यादा से ज़्यादा उन्नी बेटियां किसी एक की भी शादी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाई। मासूम का फरमान है कि औरत वास्ते खुश नसीबी वो अगले घर जाके जवान हो गए। अपनियाँ उन्नी बेटियां बगैर शादी के छोड़ दीतियां मासूम है कुम सलवातुल्लाह अलैहा सुमेर। क्या सत्तवें इमाम के दौर में शिया कोई नहीं सन? क्या इमाम के मंतदार कोई नहीं सन? ऐसा ते उन्नी बेटियां चो एक बेटी की भी सत्तवें इमाम ने शादी क्यों नहीं की थी? सैयद नहीं सी मिलता, सैयद दीवारों में चुनाया गया। आजादारो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उन्नी दियाँ उन्नी धियां बगैर शादी के छोड़ दी। किसी बेटी की शादी गैर सैयद ने नहीं की। तो जेडे असली सैयद ने अज भी वो अपनी आबाई गैरत ते बाकी ने रिश्ता बार खानदान चो नहीं देते। इरशाद शेख मुफीद और अहले सुन्नत की किताब, मैं जुमला मुकम्मल नहीं कर सकता, जुबान जेब नहीं देंदी, लेकिन दलील के तौर पर सादात को माफ़ी मांग के कहना मैं ये जुमला कहना पै। शाम के दरबार में एक हरामजादे ने बदी हुई शहजादे की तरफ इशारा किया। थोड़े मेरे चौथे इमाम सैयद साजिदीन ने कोल खड़े हबशी को तलवार खोई कमर सीधी की, यजीद दी अखा चखा पा के आख्या दोबारा गल की मैं तेरा सर तन तो जुदा कर दी। अजादारो वो इमाम सजाद जिन्हों का सबर जवार इकबाल जी अयूब नबी तो भी उत्ते, वो इमाम सजाद जिन्हें बाबे की लाश के घोड़े दौड़ते वेखे बर्दाश्त कर, वो सैयद साजिदीन जिन्हें बाजारों में खुफियां दी चादर लत दियाँ दिखियाँ सबर किया, लेकिन जो सैयद जादी का निकाह गैर सैयद नाल यह मामला आया सैयद साजिदीन का सबर का पैमाना लबरेज हो गया। फरमाया तेरा सरदान तो जुदा कर दें। मासूम दे समर तो पता चलिया जेड़ा जिस जमाने में भी शिया हो सुनी होसलक हो सैयदादी का निकाह गैर सी नल जायज़ आखे उस दौर का यजीद है वह पंच तीन पाक अहले बैत नाल कोई तल्लुक नहीं। तेरे मज़हब की बुनियाद एहतराम सदा तलीन वलीला मातम जंजीर सर। साढ़े कुजराले का एक बंदा गुफ्तगु समेट दिन वो होर मसलक का बंदा से हज ते गया ते हज तो वापस आया, हज तो वापस आके घर राह वाली बैठक च मैनू मिलया जी भाई कमर मैनू कहिंदा हैदरी साहब मैनू हुणे अलीन वलीला पढ़ाओ। ठाकर मोहसिन भाई कहिंदा कलमे च पढ़ाओ अजान च पढ़ाओ तशाहुद च पढ़ाओ। अज भी बंदे शिया होंदे ने ते ओह कलमे अजान ते तशाहुद विच भी अलीन वलीला पढ़ मैनू कहिंदा हैदरी साहब अलीन वलीला पढ़ाओ। मैं शिया होना चाहना, मैं उसनू आख्या यार तेरा हुलिया दसदा तू ते होर मसलक दा बंदा किसी जाकर दा बंद सुनी जिहड़ा दिल ते असर कर गया शिया होना चाहना। कहिंदा नहीं। मैं क्या किसी मुबल्लिग दी तकरीर सुनी है पंज तन पाक का नौकर बनना चाहना? कहिंदा नहीं। मैं क्या खुद किताबां च रिसर्च की है तहकीक की है अलीन वलीला पढ़ना चाहना? कहिंदा नहीं। मैनू चीखा मार के रो के कहिंदा हैदरी साहब मैनू हुणे अलीन वलीला पढ़ाओ। मैं हज ते गया सा काबे दा तवाफ करके मैं मदीने शरीफ पहुंचा जन्नत रबकी मैं ज़हरा दी कबर वेख के शिया हो। कहिंदा मैनू किसी जाकर मौलवी शिया नहीं किया मैनू तुरबत ज़हरा ने शिया किया। मैनू समझ आ गई तुसी शिया मदरसा च चीखा मार के क्यों रोंदे? मेरे भाई हज ते गए सन मलक अमर ने उसे हज ते जाके मैनू फोन करके दसिया ना क्या हैदरी साहब तुहानू की दसा सुरसूल दी बेटी अज भी कैदी उथे ना कोई तज़ीमी सजदा करन देंदा ना कोई सलाम करन देंदा।
ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀਲਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੱਚਾ ਹੈ ਹਕੀਕਤ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਵਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 3-3 ਲੱਖ ਦਾ ਫਨੂਸ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦਾ ਬਲਬ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿੰਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੀਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਨਾ ਫਨੂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਨਾ ਸਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਰੀਲਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛ, ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦੀ, 2-4 ਜੁਮਲੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਿੰਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਖਦੂਮਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਾ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਸਈਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇ। ਯਾ ਅਲੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਸੀਅਤ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇ ਕੁੜਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਤਾ। ਵਕਤ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇਰੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਇਸੇ ਸਨਾਤ ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਮਲਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਸਬੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਮਾਤਮੀਓ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਮੁਹਿੱਬੋ ਜ਼ਨੀਰ ਜ਼ਨੋ, ਅਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਲੱਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਹਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਚਿਰਾਗ ਜਲਦਾ ਬੁਝ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਘਰ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ। ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਮਾਮੇ ਦੇ ਪੇਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਨਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਭਣੀਆਂ, ਯਾ ਉਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਫਿਜ਼ਾ ਨੇ ਮਲਕਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲੇ ਸੈਯਦ ਅਲਾਮਾ ਤਾਜੁਦੀਨ ਹੈਦਰੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੇਟਾ ਅਜ਼ਰ ਬਤੂਲ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਪਾਕੋ ਪਕੀਜ਼ਾ ਸ਼ਖਸ, ਇਤਨੀ ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਤਫਸੀਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਨੀ ਪਾਕੋ ਪਕੀਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਗੁਸਲ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਗੁਸਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਲੀਮ-ਏ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ। ਕਫਨ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਟਾਇਆ, ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਕਰੀਮੇ ਕਰਬਲਾ ਕਿਹਾ, ਅੰਮਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਨਾਬੇ ਮਰਯਮ ਸਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਫਖਰ ਮਰਯਮ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਫਖਰ ਈਸਾ। ਅਜ਼ਾਦਾਰੋ ਕਿਤਾਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਮੀਰ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ਼ਦੁੱਲਾਹ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਤਰੁੱਟੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਰੀਮੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਉਲ ਕਦਰ ਨੇ ਸੂਰਤ ਉਲ ਫਜਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਯਾਤ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਐਵੇਂ ਸਈਦਾ ਪਾਕ ਵੀ ਫਤਕ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਖਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਦਾਤ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਤ ਉਲ ਕਦਰ ਨੇ ਸੂਰਤ ਉਲ ਫਜਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਰੀਮੇ ਕਰਬਲਾ ਨੂੰ ਮਲਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਫਨ ਦੇ ਬੰਦ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਬ ਆਏ, ਸੈਦੋ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ, ਇਮਾਮੇ ਹਸਨ ਮੁਸਤਫਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੰਮਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਿਆਲ ਅਬੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਸਲਮ ਅਯਾਮ ਕਰ ਬਹੀਨ ਕਰ।